हेलो गाइस, तो आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, जिस एप्लीकेशन से आप बहुत ही बढ़िया फोटो एडिट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन अभी न्यू नहीं आया है एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन का जो फोटो एडिट है वो आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग ये वाली फ़ोटो अपने एडिट करके पोस्ट कर रहे हैं, तो आप भी इस तरीके की फ़ोटोज़ को एडिट करके आप अपने इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर पहले आपको दिखा दूँ कि किस तरह का फोटो एडिट होता है। तो मैं चला था अपने गैलरी में, गैलरी में जाने के बाद दिखा दूं कि ये वाला जो इस तरह का पोज है जो आपने देखा होगा फेसबुक पे, बहुत से लोग यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं अपना, जो आप आईडी से पोस्ट कर रहे हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह का जो देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का फोटो आप एडिट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। तो चलिए आपको पूरा इस वीडियो में बता देता हूँ कैसे आपको इस तरह का फोटो एडिट करना है। तो बने रहिए पूरी वीडियो में और देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं, इस तरह किस तरह से आपको इसमें सेटिंग करना है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड एप्लीकेशन का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर भी सब डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है फोटो लैब, जिसको चलिए ओपन कर लेते हैं और जान लेते हैं कैसे आपको इसमें जो फोटो मैंने आपको दिखाया, उस जो एग्जांपल के तौर पर मैंने फोटो देखा, उस तरह की फोटो आपको कैसे एडिट करना है। तो एप्लीकेशन ओपन कर लेना। ओपन करने के वजह से इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसके बाद थोड़ी सी लोडिंग लेगा। इस एप्लीकेशन में थोड़ी सी ऐड की भी प्रॉब्लम है, जो ऐड आता है तो वहाँ पर आपको ऐड देख लेना। अगर ऐड आता है तो वहाँ पर वेट करके थोड़ा सा ऐड को देख लें, वॉच कर लेना, उसके बाद आपको बैक कर देना। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा ऊपर में। तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ नहीं करना, जब लास्ट साइड में आप देख सकते हैं स्किप का बटन आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे जो 3 डेज़ का यहाँ पे आपको फ्री में ट्रायल मिलेगा। इस एप्लीकेशन में कोई सी फोटो का आप एडिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको मेंबरशिप लेना, तो यहाँ पे आप $4.99 का यहाँ पे ले सकते हैं मंथली का। तो मैं यहाँ पे आपको 3 डेज़ तक आपको फ्री में सब कुछ मिलेगा, कोई से भी आप फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो मैं आपको वही करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सिंपल आप ऊपर में देख सकते हैं कट का बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको कट कर देना। कट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे इस तरह का जो भी यहाँ पे पोस्ट दिखा रहा है, इस तरह का आपका वो फोटो है। तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं बहुत ही, बस एक ही क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है आपको, लिख रहा है टॉप, उसके बाद ट्रेंडिंग, उसका रिसेंट। तो मैं आपको ट्रेंडिंग में जो भी फोटो जो मैंने दिखाया वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा, तो मैं आपको ट्रेंडिंग में चले जाना है। ट्रेंडिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फोटो मैंने आपको दिखाया था इस तरह के, यहाँ पे दूसरे नंबर पर यहाँ पे है ट्रेंडिंग में। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ मांगेगा आपके जो गैलरी होता है उसका, तो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है एक बार। उसके बाद यहाँ आपका जो आपका जो भी गैलरी में फोटोज़ होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करने लगेगा, जो से फोटो को आपको यहाँ पे आपको एडिट करना है वो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे एक फ़ोटोज़ को क्लिक कर लेता हूँ जिसको मुझे एडिट करना है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटोज़ को चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे इस वाला को फोटो मैंने चूज़ करा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फेस है आपको फेस के ही करना, क्योंकि आपको फेस को थोड़ा जूम कर लेना। जूम करने के बाद यहाँ पे बीच सेंटर में आपको यहाँ पे रख लेना, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपका काम पूरा हो गया। अब यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो वहाँ पे आपको बैकग्राउंड में चलता रहेगा। यहाँ पे मैंने पहले बताया कि आपको अगर ऐड आया तो आपको देख लेना, अगर वीडियो ऐड आया तो यहाँ पे आपको देख लेना, अगर नहीं आया तो यहाँ पे आपको कट का भी बटन आ जाएगा, स्क्रीन वाला जो आता है उसके बाद कट कर देना। कट करने के बाद यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है, यहाँ पे 4 प्रोसेसिंग होते हैं। इसे जो फोटोज़ होता है उसका जो होने का पूरा प्रोसीजर होता है 4 होता है। तो यहाँ पे 4 होने के बाद उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आपके नाम यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस तरह का मैंने बस एक क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये फोटो मेरा एडिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसमें कुछ इफेक्ट भी मिल जाता है इस एप्लीकेशन में, तो वो आपको कैसे लगाना, तो यहाँ पे प्लस का बटन दिख रहा होगा। उसके बाद आपको इस फोटोज़ में अगर आपको एनिमेशन लगाना, गिफ्ट मतलब जो एनिमेशन लगाना वो यहाँ पे आपको उसका ऑप्शन मिल जाता है। एंड आपको जो इसमें इफेक्ट डालना है इफेक्ट भी डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना कुछ तो वो भी लिख सकते हैं। तो एंड यहाँ पे मैं एनिमेशन का वो लगा के दिखा देता हूँ किस तरह के एनिमेशन आता है। तो यहाँ पे मैं एक भी कोई सा भी एक एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी लोडिंग होगी, उसके बाद वो प्रोसेसिंग ऊपर भी चल रहा है। यहाँ पर प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद यहाँ फोटो अपने आप शो हो जाएगा। तो जब तक मैं वेट कर लेता हूँ इसको डन होने का, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का आप गिफ्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा अनलिमिटेड बहुत सारा यहाँ पर देख सकते हैं, आप जितना स्लाइड करेंगे यहाँ पर कभी खत्म नहीं होगा। तो बहुत सारा यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे आपको मेंबरशिप प्रो वाला जो है यहाँ पर देख सकते हैं प्रो लिखा हुआ, जो आपको प्रो मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पर आपको उसे मतलब ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको हो गया, अगर आपको ये वाला चाहिए तो यहाँ पर आपको ब्राइट का बटन दिख रहा होगा ग्रीन पर, उस पर क्लिक करना, उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं आ गया इस तरह का। अब यहाँ पर आपको फोटो को सेव करना है, तो वो आपको
कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर में थ्री डॉट दिख रहा होगा, थ्री डॉट पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन खुल गया सेव टू डिवाइस, सेव टू डिवाइस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गोडेट पे आएगा, गोडेट पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कहीं से भी यहाँ पे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जितने भी आपको फोन में कहीं भी सोशल वेब एप्लीकेशन होगा सोशल, जहाँ पे आप यहाँ पे पोस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक व्हाट्सअप ईमेल सब मेरा खुल चुका है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पोस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को यूज़ करके इस तरह के फोटो एडिट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।